Hello cuties, welcome back to my channel Cutie Pie Filmy Fan Fiction. और आज मैं आप सबके पास हमारे न्यू फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था हमारे विंग और वांगजी कुसु आ रहे थे, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पर हाँ, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तब फाइनली बढ़ ही जाते हैं आगे। विंग और वांगजी दोनों कुसु पहुंच चुके थे। चिरानंद दोनों को काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं और दोनों को अलग कमरे में रखते हैं, लेकिन लैन शीचैन चिरान को एक इशारा करते हैं। इशारा समझते हुए चिरान कहते हैं, ओह माफ़ करना, दूसरे कमरे की तो साफ सफाई ही नहीं हुई। विंग, तुम वांगजी के कमरे में चले जाओ। क्या? हाँ, उसके कमरे में तुम आज रह लो, मैं बाकी कमरों की साफ़ सफाई करते ही तुम्हें शिफ्ट करा दूंगा, ठीक है? चिरान के सामने तो विंग कुछ कह नहीं सकता, विंग ने सिर्फ हाँ कह दिया। वांगजी के दिल में तो बड़े बड़े लड्डू फूट रहे थे, लेकिन शीचैन ने कहा, वांगजी संभलना, तुम भूलो मत कि तुम कुसु में हो, कुछ भी गड़बड़ किया तो अंकल तुम्हें 52 कोड़ों की सज़ा सुना देंगे। वांगजी डर गया और फिर थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहा, गगा सजा तो तब देंगे जब मैं कुछ गड़बड़ करूँगा, है ना? और फिर वांगजी एक डेविल स्माइल करता है और अपना बैग उठाकर कमरे में चलता है। विंग बेड पर बैठने ही वाला था कि वांगजी बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग कर आता है और विंग को खींचकर अपने लैप में बिठा लेता है। विंग शॉक्ड होकर वांगजी की तरफ देख रहा था और वांगजी एक प्यारा सा स्माइल करके कहता है, मुझे तुम्हें पास जो बिठाना था, माफ़ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। विंग की मदर ने जो उसे खंजर दिया था वो विंग की पॉकेट से थोड़ा निकला हुआ था। वांगजी कहता है, तुम्हारा खंजर निकल रहा है, इसे ठीक से रखो। विंग जल्दी से खंजर छिपा देता है और बहुत ही एम्बेरस्ड फील करता है। वांगजी विंग का चिन पकड़ता है और कहता है, तुम डरो मत, मैं पहले की तरह गलतियाँ नहीं करूँगा, माफ़ करना, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। गलती नहीं, तुमने अपराध किया है, और जो मेरे साथ किया है वो तो मैं भूल सकता हूँ, लेकिन जो तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। विंग, यही तो मैं तुम्हें इतने सालों से बताना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कुछ नहीं किया, यकीन करो विंग, मुझे कुछ नहीं पता था। वांगजी घुटनों के बल विंग के सामने झुक कर बैठता है और कहता है, माफ़ कर दो विंग, ये सच में मेरी गलती नहीं थी, तुम मुझसे बात मत करो। विंग गुस्से में जाने लगता है, लेकिन वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और इसे फिर से अपने लैप में कस के बिठा लेता है, एकदम कस के पकड़ते हुए। विंग को इस तरह जकड़ा हुआ था कि बेचारा विंग हिल भी नहीं पा रहा था, फिर भी वो उठने की कोशिश कर रहा था गुस्से में। वांगजी कहता है, विंग अब मैं और ज़्यादा इंसल्ट नहीं झेल सकता, तुम्हारे हाथों इंसल्टेड होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। विंग अब थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गया, क्योंकि वांगजी की आंखों से आंसू गिर रहा था, जिसकी वजह से विंग की नेक भीग रही थी। अब वांगजी बताना शुरू करता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। वांगजी अचानक से रट में आ गया था, तब वो सिर्फ 16 साल का था। रट में आते ही विंग का नाम लेकर वो चिल्लाने लगा और खुद को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस टाइम पे कहाँ ही कोई सेटिस्फाइड होता है। वांगजी रट में इस तरह तड़प रहा है और विंग का नाम ले रहा है, ये सुनकर वांगजी की मदर को एक आइडिया आया। उसने फौरन ही विंग को घर पे बुलाया और झांसे से विंग को वांगजी के कमरे में भेज दिया। विंग तो बेचारा बच्चा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसा कि उसकी मैडम ने कहा, विंग बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। विंग के फादर इस घर पे ड्राइवर है ना, इसीलिए विंग को इन लोगों की हर बात भी माननी पड़ती है। विंग चुपचाप वांगजी के कमरे में चला जाता है, लेकिन जाकर वह नज़ारा देखता है वो उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। विंग की स्मेल आते ही वांगजी फौरन ही विंग को पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। विंग किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश में लग गया, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाया, क्योंकि वांगजी उसी का अल्फा है। ये उसी दिन विंग समझ गया था। वांगजी ने विंग को माफ कर दिया, लेकिन विंग तो नफरत से वांगजी को देख रहा था। उसने माफ करना तो दूर की बात, वांगजी की तरफ दोबारा अपना चेहरा उठाकर भी नहीं देखा। और दूसरी तरफ विंग के पेरेंट्स विंग को बचाने के लिए आए थे, लेकिन वांगजी की मदर उन दोनों को अंदर जाने ही नहीं दे रही थी।
लेकिन वो दोनों जबरदस्ती जब अंदर जा रहे थे तो वांग जी की मदर ने अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाया और उन दोनों को बहुत मारा और सर पर चोट लगने की वजह से विंग के फादर कोमा में चले गए। विंग को लग रहा था कि ये सब कुछ वांग जी ने ही करवाया है, एक तरफ तो उसे बर्बाद कर दिया, ऊपर से उसके फादर की ये हालत कर दी। उस दिन के बाद से विंग बिल्कुल ही नफरत करने लगा था वांग जी से, वरना पहले तो वो हमेशा वांग जी से सिर्फ प्यार जताया करता था, दिन भर उसके पीछे पीछे दीवानों की तरह घूमता था। वांग जी को भी ये बहुत अच्छा तो लगता था, लेकिन तब वो विंग को ज़्यादा भाव नहीं देता था, पता नहीं क्यों, शायद यही उसका बर्ताव था या सबसे बड़ी गलती। वांग जी अब इसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा पछताता है। फ्लैशबैक यही एंड होता है और विंग के दरवाजे पे ठक ठक भी। लैन चिरैन आए थे विंग से मिलने। विंग जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और अंकल को ग्रीट करता है। चिरैन कहते हैं, विंग आज तुम और वांग जी दोनों मिलकर एक ज़रूरी काम करोगे। क्या करना है अंकल? एक गेस्ट है, उनसे मिलने जाना है, तुम दोनों जाओगे, ठीक है? गेस्ट है? पर क्यों? तुम बस जाओगे, ठीक है? विंग हाँ में सर हिला देता है। कुछ देर बाद खाना खाकर दोनों रवाना होते हैं। वो गेस्ट एक बुजुर्ग औरत थी। विंग और वांग जी दोनों को ही उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी और विंग और वांग जी के बारे में चिरैन ने उन्हें बताया था, तो वह उन दोनों से मिलना चाहती थी। उनसे मिलने के बाद वांग जी विंग को गुसु घुमाने ले गया। सुंदर सुंदर पर्वत, झरने, इतना सब कुछ देखकर ये ठंडा ठंडा सा नेचर उसे बहुत पसंद आया। विंग स्माइल कर रहा था, आसपास देख रहा था, और वांग जी सिर्फ विंग को। अचानक से वांग जी विंग के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और एक रेड रोज लेकर उसे प्रपोज करता है। विंग मुंह बनाने लगता है और कहता है, उठिए उठिए, आप क्या कर रहे हैं बॉस, उठिए। विंग, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तमाशा बंद कीजिए बॉस, उठिए। विंग, आई लव यू, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। नहीं करूँगा, जीते जी तो नहीं। विंग, सच में मेरी कोई गलती नहीं थी, वो सब मम्मा ने कराया था, मैं तो रट में था इसीलिए तुम्हारे साथ वो सब कर दिया, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड के साथ जो हुआ वो सब मैं जानता तक नहीं था। क्या? हाँ विंग, मैं सच में नहीं जानता था कि मॉम ये सब कुछ करवाएंगी। विंग, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। क्या आप सच कह रहे हैं? सच विंग, मैं नहीं जानता था ये सब क्या हुआ है और मुझे अचानक से ही रट आ गया। मैं रट में तुम्हारा नाम चिल्ला रहा था, शायद इसीलिए मम्मा ने तुम्हें बुलाया होगा। विंग, मैं हमेशा से ही तुम्हें पसंद करता था, इसीलिए तो रट में भी मैं तुम्हारा नाम चिल्ला रहा था। आई लव यू विंग। विंग का दिल हल्का पिघल रहा था, क्योंकि नज़ारा ही इतना अच्छा था, इतना सुंदर जगह, इतने सारे लोगों का भीड़, और वांग जी उसे घुटनों के बल बैठकर रेड रोज़ देकर प्रपोज कर रहा है। फाइनली विंग ने रोज़ एक्सेप्ट कर लिया और वांग जी ने उसे टाइटली हग कर लिया। फिर क्या, एक प्यार भरी किस के बाद सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई। और ये FF यहीं पर एंड होता है। माय क्यूटीज, मैं बहुत जल्द एक नए FF लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय क्यूटीज, बाय बाय बाय।